फिर मन की बात में दो मिनट कहना चाहूंगा कि जिस वक्त हार का नतीजा आया उस रात को सारा हमारे परिवार का यह फैसला था कि भी आज के इस युग में जहाँ धोखा फरेब और झूठ की राजनीति सर्वप्रिय माना जाता है, ऐसे राजनीतिक वातावरण में ईमानदार और संघर्षशील लोगों की कोई वैल्यू नहीं। उस पर मन था हमारा, मेरा मन था, मेरे परिवार का मन था एक बार राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सेवा करते रहो नाटी के रहना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार साथी मिलते रहे, सबसे शुरुआत भव्य ने मेरे से करी कि पापा हमारे को 2 लाख के करीब 1,90,000 के करीब वोट पड़े हर पार्लियामेंट में, उनके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है। 36,000 वोट आदमपुर हल्के के थे, उनके प्रति हमारा धर्म बनता। फिर लोग मेरे पास आते रहे कि हमारा क्या कसूर था कि हमने आपका संघर्ष में साथ दिया, ईमानदारी छोड़नी नहीं चाहिए। फिर पिताजी की बातें भी मैंने पिछली बार भी आपको कहा कि मेरे मन में आज भी पिताजी की बातें घूमती हैं। उन्होंने कहा भाई सुंदरी जी, इलाका मैंने बड़े प्यार से सुन परिवार की तरह बनाया, तो ये आदमपुर हल्का मैं तेरे को सौंप ले जाता है, सौंपना चाहता हूँ। कहीं किसी गलत आदमी गलत लोगों के हाथ में ये हल्का ना चला जाए कि हरियाणा भी तेरे को सौंप के जाना चाहता हूँ, जो मेरी लेगेसी क्योंकि हरियाणा के अंदर पिताजी का वादा मुझे याद आया, आपके प्यार से मुझे याद आए। तकलीफ सिर्फ इस बात की थी जो मैंने एनालाइज किया पूरे इलाके, हार हमारी जरूर हुई। मोदी का सबसे बड़ा कारण रहा कि मोदी के नाम पे पूरे देश में लहरें बनी हुई थी जो नहीं बननी चाहिए थी, क्योंकि तो मैं नहीं समझता कि मोदी ने 5 साल के अंदर कोई एक ऐसा काम किया पूरे देश में जिससे हमें पकड़ सकते। लेकिन बह गए लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, मैसेज में बह गए लोग। दूसरा सबसे बड़ा कारण हमारे कांग्रेस के अंदर भी जब मंथन हुआ, जब हम नेता आकर से बैठते हैं कि वोटिंग मशीन का बहुत बड़ा रोल रहा इस सरकार को बनाने के अंदर। 300 से ऊपर लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें वोट पड़े और वोटिंग मशीन में निकले उनके नंबरों में भारी अंतर था। काफी 5 या 6 ऐसे MP BJP के जीते जिनका जीत का मार्जिन बिल्कुल सेम था, 2,11,820, 2,11,820, 2,11,820। तो ये सारे इस प्रकार के और भी बहुत प्रकरण हैं, इसको देख के वोटिंग मशीन के ऊपर सवालिया निशान पड़ता है। और ये मैं आज नहीं कह रहा हूँ कि मेरा बेटा हारा है, मैं ये बात 2010 से लगातार कहता हूँ। जब चुनाव जीतता भी रहा तब भी ये बात कही, हारे हैं तब भी ये बात कही कि EVM किसी हालत में नहीं होनी चाहिए। वोटिंग मशीन कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक होती है वो प्रोग्राम किया जा सकता है। जापान जिसने वोटिंग मशीन को लॉन्च किया था, जो जन्मदाता थे वोटिंग मशीन के, वो वापस बैलेट पेपर में चलेगा। अमेरिका चला गया, जर्मनी चला गया, बड़े बड़े विकसित देश जो वोटिंग मशीन पर थे वो वापस बैलेट पेपर में चलेगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि वोटिंग मशीन प्रोग्राम की जा सकती। तो इस पर हम देशव्यापी राहुल जी को सुझाव मैंने उस दिन दिया था और भी आगे बात करेंगे कि देशव्यापी कुछ ना कुछ हमें इलेक्शन कमीशन पर भरोसा, मेरा तो खास तौर पर है नहीं, आप कैसे मुझे पता नहीं, देशव्यापी संघर्ष हमें करना पड़ेगा तभी सही और डेमोक्रेसी जीवित हो। एक कारण वो रहा, जब खड़ा हुआ तो मैंने सामने कुछ मेरे साथियों के आंखों में आंसू देखे, जब बोलने खड़ा था उस दिन तो भावुक हो गए, मेरे सामने लोग रो रहे थे उस दिन, तो मैं परिवार जब होता है तो निसंदेह आंसू आदमी के आ जाते हैं, लेकिन मैं किसी प्रकार को दिए बिछड़ोई मायूस होने वाला आदमी नहीं है, घबराने वाला आदमी नहीं है, दबने वाला आदमी नहीं है। चुनाव तो पिछली बार भी मैं हारा था, चुनाव पिताजी भी हारे थे, तो राजनीति में तो हार जीत तो एक सिक्के के 2 पहलू, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तकलीफ थी मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को कम से कम हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र से मुझे उम्मीद थी बहुत, क्योंकि मेरा संघर्ष लोगों ने नहीं देखा। जैसे मैंने अभी पहले कहा कि भाई ईमानदारी की राजनीति तो अगर आगे जाना है तो ईमानदार लोगों को साथ देना पड़ेगा। मेरा परिवार है, हरियाणा मेरा घर है, मेरा साथ देना चाहिए। 32 साल मैंने अपने बेहतरीन जीवन राजनीति को दिए, आप जानते हैं 32वां साल मेरा चल रहा है जब मैं राजनीति में, 1987 के अंदर मेरी माता जी का चुनाव था यहाँ आदमपुर का, उस वक्त मैं शुरू हुआ था राजनीति में। 93 के बाद आदमपुर भी, अब आदमपुर में भर आदमपुर की बात मैं ज़्यादा करना चाहूँगा। 93 की बात, 87 के बाद से मुझे याद है, खासतौर पर 93 के बाद चंद्रमोहन भाई साहब पंचकूला चले गए, पिताजी ने मुझे यहाँ भेज दिया, तो मैं दिल्ली से यहाँ आया करता था कार मुकार कर। मैं वो दोहराना चाहता हूँ कि 29 साल की मेरी सेवा
लोगों को नहीं दिखी और 3 साल में कम आ पाया लोगों को जा रहे हैं। मैं दिल्ली से अकेला गाड़ी चला था, मेरे पास सिक्योरिटी होती थी ना, ड्राइवर आया करते थे बार बार आया था मैं, और मैं वहाँ से चलता था दिल्ली से, एक ना सिंगल रोड आया करती थी, डबल ट्रिपल अपनी गाड़ी लेके आता था, और वो गाड़ी अनूप जी के वहाँ खड़ी करता था फैक्ट्री के अंदर भानू में, और देवीलाल मेरा भाई था वो अपनी गाड़ी मुझे उठाता था वहाँ से, और हम ये हल्के के अंदर कान मुकान करते थे, कहते काम के लिए डेली गाँव में जाके पूछ जब प्रणय घर खिची गड़ी भाई, प्रणय घर खिची गड़ी भाई, फिर गाँव में कोई हाथ में लेकर उठा लिया, कोई मैंने मुकान नहीं छोड़ी, कोई मैंने ब्याह कोई छोड़ा, पिछले 3 साल से पहले की बात कर रहा हूँ, सब भूल गए लोग, लाठियाँ खाली मैंने वो भूल गए लोग, लाखों की तादाद की रैलियाँ हमने करी वही भूल गए लोग, पर 3 साल में कुछ आयो कोनी मिले कोनी आयो कोनी आयो कोनी वो याद रह गया, और वो भी हुआ क्यों, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने बनाई की बात, राजस्थान चुनाव में लगातार बाहर आम है पीछे देखो मौका मिल गया बीजेपी के लोगों को, यहाँ मैसेज जा बजा के एस एम एस से व्हाट्सएप के ऊपर आवे कोनी वो याद से शुरू होगी बात, यहाँ चलते चलते बाहर पहुँची बाहर पहुँच बताओ के लोग चलती बात, 3 पार्लियामेंट चुनाव हमने लड़े, तीनों पार्लियामेंट चुनाव में कभी किसी ने उचाना में या बौनी खेड़ा में कहीं नहीं कहा मारे मुकान को नहीं आएगा, इस बार जहाँ मैं जाऊँ हमारे यहाँ बैठने को नहीं आएगा, कौन सा एम पी बैठने सर सब गाँव में पूछ सकता है, कौन सा एम एल ए हर गाँव में हर घर में जाके मुकान मुकान पूछ सकता है, तो लोकल गाँव का सरपंच भी ऐसा नहीं होता कि सारी मुकान का आदमी को आदमी जब काम करता है तो उसका एक आदमी कब देखना चाहिए कि वो व्यक्ति पूरे स्टेट में घूमता है, चौधरी भजन लाल जी की राजनीति बहुत बड़ी रही, मेरी राजनीति छोटी रही है बहुत, लेकिन जितनी भी छोटी रही हरियाणा जैसे कांग्रेस पार्टी हमने बनाई उसके अंदर पूरे हरियाणा में घूमना पड़ा, सब गवाह हर यात्रा ट्रैक्टर यात्रा को भी तरह के कार्यक्रम जलपान समारोह हर गाँव में 2.5 बार में गया, तो ऐसे में एक आदमी ने अपना कद बढ़ाया आपके आशीर्वाद से आपके सहयोग, अगर उसको एक हल्के में आप रखते तो क्या वो कद बढ़ सकता था हरियाणा के अंदर, कांग्रेस की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर मैं बना हुआ हूँ, कांग्रेस के राजस्थान में हो चार कैपिटल में कुलदीप बिश्नोई हरियाणा और चार कैपिटल में कुलदीप बिश्नोई, कद आपने बनाया कुलदीप का, कद को आपको मेंटेन रखना चाहिए था, इस हार के बाद दिल्ली जब हम गए तो प्रियंका गांधी ने खा मुझे पूछा कुलदीप की आदमपुर में कैसे हार गया, बड़ा मेरा सर नीचे हो गया बिल्कुल, मैंने कहा मोदी की वेब से क्या कह सकते हैं, तो ये हल्का चौधरी भजनदार परिवार का, कल मीटिंग हुई कल साथियों ने मुझे कहा कि भाई नौजवान छोरे भी देखिए अब ये माता पिता का धर्म बनता है उनको दिखाने का कि भाई ये सड़कों पे हम चलते हो ये चौधरी भजनलाल परिवार की देन, स्कूल में पढ़े हमारे बना रहे स्कूल ना पढ़े यार बोर्ड मारे खिलाफ, हमारी बना रही सड़क पर चल रहा है बोर्ड मारे खिलाफ, हमारे बना रही यूनिवर्सिटियाँ पढ़े हैं बोर्ड मारे खिलाफ, हमारे बना अस्पतालों में इलाज इलाज करा है बोर्ड मारे खिलाफ, तो काम करने वालों का साथ नहीं दोगे और ऐसे लोगों का साथ दोगे जो कभी आए को नहीं, तो क्या समझते हो कि हम अपने अपने आने वाले भविष्य को इज्जत कर रहे हैं, पिछली बार भी धार्मिक पार्क का संस्था आके चौधरी बन गया।